हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धवन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज के वीडियो में हम लोग MS Word के इंसर्ट टैब के कुछ अन्य विकल्प के बारे में जानेंगे, जिनमें आपका हेडर ग्रुप होगा, टेक्स्ट ग्रुप होगा और सिंबल्स ग्रुप होगा। आज हम लोग इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ पेज लेआउट टैब के बारे में भी जानेंगे। स्क्रीन पर आपको एक वेब पेज दिख रहा होगा, इस वेब पेज को कैसे कोडिंग करते हैं ये आपको HTML के वीडियो में बताया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसको बनाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो स्क्रीन है इसमें कोई भी इमेज डाउनलोड की हुई नहीं है। तो इस तरीके की इमेजेस को बैकग्राउंड पर कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से ऐसे वेब पेज बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा और देखते रहिए हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं MS Word में हम लोगों को इंसर्ट टैब के बारे में जानना है। पिछले वीडियो में हम लोग MS Word के टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप और लिंक्स ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग MS Word के हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में, इस ग्रुप का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं और पेज नंबर दे सकते हैं। इस ग्रुप में तीन ऑप्शन होते हैं। तो हेडर किस तरीके से लगाया जा सकता है, देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है, इमेज की जगह पर आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे दूसरे पेज पर भी एक इमेज आ रही है, लेकिन दूसरी आ रही है, ठीक है, और तीसरे पेज पर फिर से वही इमेज आ रही है, लेकिन ये आपकी इमेज को आप खिसका नहीं सकते, देख सकते हैं इसको खिसका नहीं पा रहे हैं। और जबकि ये जो इमेज लगी हैं ये सिलेक्ट हो रही हैं, इधर उधर भी इनको किया जा सकता है। यानी कि ये जो इमेज आपकी लगी हुई है, चूंकि ये हल्की हल्की फैट फैट दिख रही है, ये आपके हेडर में लगाई गई है। तो ये हेडर में कैसे लगाते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाना है, हेडर पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ हेडर के आपको कस्टम डिजाइन, पहले से बने हुए डिफॉल्ट डिजाइन दिख जाएंगे। इनमें से बुल्ट इन डिजाइन में से आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ डिजाइन, इनमें से कोई भी डिजाइन का आप हेडर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट कर लिया लाइक ये, और देखिएगा आप तुरंत से वो हेडर आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, पिक डेट के लिए फील्ड दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट को इंसर्ट करा देंगे। जैसे मैंने टुडे दे दिया तो यहाँ पर आज की डेट आ गई। यहाँ पर आ रहा है टैग द डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया द माउस या समथिंग, कुछ और जो भी आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल हो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। और इसे लिखने के बाद आपको हेडर को सिंपल क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे आप हेडर को क्लोज करेंगे तो ये हेडर आपके प्रत्येक पेज पर आ जाएगा, देखिएगा आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अल्टरनेट कर रखा है, इसलिए ये पहले वाले पर सेम हेडर है और उसके बाद थर्ड नंबर वाले पेज पर सेम हेडर है। ये कैसे चेंज करते हैं, कैसे अल्टरनेट आते हैं, इनको देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है इंसर्ट टैब में, और उसके बाद आपको क्या करना है, हेडर पर क्लिक करना है, ठीक है, हेडर ऑप्शन पर, और देन उसके बाद आप कोई भी हेडर चेंज कर देंगे। जैसे मैंने ये ले लिया, और यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है आपका, वो टाइटल डाल देंगे। जस्ट लाइक हमने दे लिया कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल जस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेटिंग दी गई है, डिजाइन टैब आ रहा है। जैसे ही आप हेडर डालते हैं वैसे ही एक डिजाइन टैब आने लगता है। इस टैब में आपको कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, उनकी मदद से आप इन्हें अलग अलग पेज पर, यानी कि ऑड और इवन पेज पर अलग अलग हेडर आप दे सकते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ऑप्शन ग्रुप का भी नाम है। यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप आपको दिख रहा होगा, लास्ट से थर्ड नंबर का ग्रुप है क्लोज, उसके बाद पोजिशन, उसके बाद ऑप्शन। तो लास्ट के थर्ड ग्रुप में, यानी कि ऑप्शन में, इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो डिफरेंट फर्स्ट पेज पर अलग हेडर हो, तो आप इसे अगर चेक कर देंगे तो फर्स्ट पेज पर अलग आएगा, बाकी पर आप अलग लगा सकते हैं। डिफरेंट ऑड एंड इवन, तो हम इसको अगर हटा देंगे डिफरेंट ऑड एंड इवन, तो प्रत्येक पेज पर सेम हेडर आएगा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का जो भी टेक्स्ट है वो भी शो करे, तो अगर आप हटा देंगे तो वो टेक्स्ट नहीं शो करेगा, लेकिन हमें शो कराना है तो यहाँ पर बना रहने देते हैं। इसके बाद हेडर को क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिएगा प्रत्येक पेज पर सेम हेडर आ रहा होगा, ठीक है, इस पर भी वही आ रहा है, इस पर भी वही हेडर है और इस पर भी वही हेडर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडर को लगा सकते हैं। चलिए फिर से हम इंसर्ट में चलते हैं और हेडर को अब एडिट कर लेते हैं। एडिट हेडर का भी ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग गलत हो गया था, चलिए मैं इसे सही कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेज पर भी अलग अलग लगा सकते हैं। अगर आपको मान लो फर्स्ट पेज पर अलग हेडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ग्रुप में आके फर्स्ट
के लिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो पहले पेज पर अलग आएगा और बाकी सब पर हेडर हमारा अलग आएगा। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब आप देखेंगे पहले पेज पर शायद कोई भी हेडर नहीं आ रहा है, इस पर हम अलग अपना हेडर लगा सकते हैं और बाकी के जो नीचे पेज दो दिए गए हैं दोनों पर सेम हेडर आ रहा है, वही जो हमने लगाया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल लिख के आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें एक और पेज अगर हम ले लेते हैं तो उस पर भी यही हेडर आएगा, सेम देखिएगा वही हेडर आ रहा है जो यहाँ पर हमने दे रखा था। ठीक है, फर्स्ट पेज पर केवल हम अलग हेडर लगा सकते हैं। हेडर को एक्टिवेट करने के लिए आप डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, जो ये ऊपर का पोर्शन होता है जो खाली होता है जहाँ से आपका लिखना स्टार्ट नहीं हो पाता है, वहाँ पर आपको बस माउस से क्या करना है जल्दी जल्दी डबल टैप करना है, जैसे ही डबल क्लिक करते हैं वैसे ही आपका हेडर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, कोई भी क्लिप आर्ट से पिक्चर उठा के डाल सकते हैं या डेट लगा सकते हैं, तो व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, पिक्चर में गया और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ जहाँ से हमारी पिक्चर सेव है, मैंने डेस्कटॉप पर पिक्स नाम की फाइल में सेव कर रखे हैं तो मैं डेस्कटॉप से पिक्स नाम की फाइल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये हमारा इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब इस इमेज को हमें इधर उधर इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था पिक्चर कैसे लगाते हैं उस डॉक्यूमेंट में, इसके लिए आपको क्या करना है टेक्स्ट रैपिंग पर जाना है और स्क्वायर पर क्लिक कर देना है, बस उसके बाद आप अपनी इमेज को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये हमारा सब्सक्राइब नाउ का बटन आ गया है, ठीक है, इमेज आ गई है, सॉरी सब्सक्राइब नाउ का इमेज यहाँ पर लग गया। तो इस तरीके से ये हमारा हेडर में पहले पेज पर डिफरेंट हेडर लगा दिया हमने, क्या सब्सक्राइब नाउ का। इसके बाद डिजाइन टैब में आएंगे जो कि आपका हेडर के एक्टिवेट होते ही आ जाता है, इसमें आके क्लोज हेडर पर क्लिक कर देंगे तो वैसे ही आपका हेडर यहाँ पर आ जाएगा और बाकी पेजेस पर आपके अलग हेडर जो आपने पहले दिए होते कंप्यूटर फंडामेंटल वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग या फर्स्ट पेज पर अलग हेडर और अन्य पेजेस पर सेम हेडर रख सकते हैं, या फिर आप ऑड और इवन पेज पर अलग अलग हेडर भी दे सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ इस वाले पेज पर और इसमें हेडर को डबल क्लिक करके एक्टिवेट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शंस ग्रुप में आकर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, यानी कि इवन और ऑड पेज पर अलग अलग हेडर हों, तो मैंने यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पहले कोई हेडर हमने लगा रखा था वो आ गया है। चलो हम इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पर कोई दूसरा लगाते हैं, तो हम जाते हैं क्लिप आर्ट में और यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्लिप आर्ट का साइड में डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, पेन दिख जाएगा, इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अगर इमेज लगानी है तो आपको सिंपल लिखना है कंप्यूटर, टाइप करना है सर्च फॉर्म में और गो पर क्लिक कर देना है। वैसे यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इमेजेस दिख जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक इमेज को ले लेता हूँ, ये रहा हमारा, और किसे मैं लगाना चाह रहा हूँ राइट साइड में, तो मैं क्या करूँगा इसको उठा के राइट में रखा दूँगा, लेकिन अभी नहीं रख रहा है तो फिर से हम क्या करेंगे टेक्स्ट रैपिंग और इसके बाद स्क्वायर और इसके बाद इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रख लिया है, उसके बाद इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पिक्चर यहाँ पर इजीली बन गया। अब इसके बाद आप हेडर को क्लोज कर देंगे, कहाँ से डिजाइन टैब में आते हैं और क्लोज हेडर पर क्लिक कर देते हैं। देखिएगा आपका हेडर क्लोज हो गया है, फर्स्ट पेज पर अलग हेडर आ रहा है, उसके बाद सेकंड पर अलग आ रहा है, ठीक है, और थर्ड पेज पर आपका अलग हेडर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर है। अब जो सेकंड पेज पर हेडर है वही नंबर चार वाले पर आएगा, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद अगर और भी पेज में इंसर्ट कराता हूँ, जैसे मैंने पेज ब्रेक डाल दिया कंट्रोल एंटर से तो नया पेज आया और उसमें वो हेडर दिख रहा है जो हमारे पेज नंबर थ्री पर था। ठीक है, 3, 5, 7 इन पर सेम हेडर आएंगे और 2, 4, 6 इन पर सेम आएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले पेज पर हमने अलग हेडर लगा रखा है इसलिए उस पर अलग आ रहा है। तो इस तरीके से आप हेडर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और कुछ ऑप्शन भी आपको यहाँ पर हेडर में उपलब्ध होते हैं, उनसे भी आप हेडर्स को अप्लाई कर सकते हैं, हेडर को लगा सकते हैं। यहाँ पर और भी टाइप के हेडर दिए गए हैं तो आप यहाँ से हेडर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हेडर का हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं फुटर की। फुटर यानी कि हेडर का जस्ट अपोजिट, हेडर ऊपर आता है पेज में और फुटर आपका नीचे आता है। ठीक है, लाइक हमें फुटर एक्टिवेट करना है फर्स्ट पेज का, तो हम जाते हैं फुटर में और यहाँ पर कोई भी फुटर यहाँ पर दिए गए हैं कई स्टाइल के, इनमें से कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फुटर ले लिया, ठीक है, अब इसमें पेज नंबर आ रहा है साथ में, आप चाहें तो इसे ना लें, कोई दूसरा चेंज कर लेते हैं, हम हेडर को हटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जो हेडर आ रहा है उसको मैंने हटा दिया, डिलीट, और यहाँ पर सेलेक्ट किया देन डिलीट। ये टेबल बना हुआ है तो इसलिए थोड़ा डिलीट नहीं हो रहा है, तो लेआउट में जाके आप डिलीट कर सकते हैं, टेबल में एक ऑप्शन आता है लेआउट, वहाँ से टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे लाइक हमने लिख दिया हेल्पलाइन, मान लो हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम चाहते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डाल दें, हेल्पलाइन नंबर, और यहाँ पर हमने लिख दिया 8006228006। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं इसको बोल्ड वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके यहाँ पर दी जाती है फुटर पर। इसके बाद आप फुटर को क्लोज कर दीजिएगा, आप देखेंगे आपके पेज में फुटर लग गया है और यहाँ पर चूंकि ऑड और इवन अलग अलग सेलेक्ट था तो इसलिए अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं डिज़ाइन में, ठीक है, क्योंकि ये हेडर फुटर दोनों के लिए एक ही बार में सेटिंग होती है, तो आप अगर हेडर अलग अलग लगा रहे हैं तो आपको फुटर भी अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंट को हटा देते हैं तो आप देखेंगे प्रत्येक में फुटर आपका सेम आ जाएगा, हेल्पलाइन
ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं, और फुटर के साथ साथ हेडर भी आपका सेम है फर्स्ट पेज को छोड़ के, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है इंसर्ट में, वो है आपका पेज नंबर। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट पर पेज नंबर डालना है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। आपको सिंपल पेज नंबर पर क्लिक करना है, किस ग्रुप में, हेडर एंड फुटर ग्रुप में आकर पेज नंबर पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन होता है किस टैब में, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के रिबन में आपको हेडर फुटर ग्रुप के अंदर ये मिलता है। पेज नंबर पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर टॉप पर यानी कि ऊपर जो हेडर वाला सेक्शन है वहाँ पर पेज नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर कई स्टाइल दिए हैं, पहला लेफ्ट साइड में आए, दूसरा हेडर में बीच में आए, तीसरा हेडर में राइट साइड में आए, उसके बाद फिर पेज नंबर लिख के आए, साथ में पेज लिखा हो और उसके बाद नंबर लिखा हो। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल में आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला है आप देख सकते हैं, पेज 5 of 5 इस तरीके से लिख के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम हेडर डाल सकते हैं, जितने भी पेज हैं उस पर लिख के आता है कौन से पेज पर है, टोटल कितने पेज हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे ही पेज बढ़ेंगे तो वो अपने आप से चेंज भी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं, हम इंसर्ट में आते हैं और फिर से हम चालू करते हैं पेज नंबर। और अगर आपको बॉटम पर पेज नंबर डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। आप देखिए बॉटम पर भी पेज नंबर के कई सारे स्टाइल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप जो भी स्टाइल चाहें उसे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। कई सारे स्टाइल हैं पेज नंबर डालने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो अलग अलग स्टाइल दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पर एक स्टाइल ले रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आएगा, यहाँ पर नीचे डल के आ रहा है फुटर में, तो आप देख सकते हैं फुटर में भी पेज नंबर आ रहा है नीचे, ये देखिएगा 4, 5, 2 और ये इस पर हमारा, क्योंकि फर्स्ट पर हमने डिफेंड कर रखा है इसलिए थोड़ा सा समस्या कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से हेडर फुटर वाले ग्रुप में जाना है, अगर चेंज करना है इस चीज़ को। पेज नंबर पर आते हैं और हमने दे रखा था बॉटम पर, और इसमें क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसको हटा दीजिएगा, सभी पर सेम ही आएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1 of 5 पेज 1 पेज, नीचे हेडर में भी पेज नंबर आ रहा है, फुटर में भी आ रहा है, आप जिस तरीके से डालना चाहें उस तरीके से डाल सकते हैं। इसके बाद और भी पेज नंबर को इंसर्ट करने का तरीका होता है, वो आप मार्जिन पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आते हैं पेज नंबर मार्जिन, यहाँ पर मार्जिन के स्टाइल दिए गए हैं, जैसे मैं एक स्टाइल पिक करता हूँ यहाँ से मार्जिन का, जैसे ये है, ठीक है, आपका पेज नंबर इधर आ रहा है साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर पेज नंबर राइट साइड के मार्जिन पर चाहिए तो मार्जिन पर लगा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग जगह पर पेज नंबर को अलग अलग स्टाइल में ऐड कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कई सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है ऑर्बिट राइट, ठीक है, एक सर्कल बन के आ रहा है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट पर पेज नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस ग्रुप में, अगला ग्रुप है इसका टेक्स्ट ग्रुप, इस ग्रुप के ऑप्शंस को देखते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो चलिए मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, उसमें हम लोग इनका यूज़ करेंगे। इंसर्ट में आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। अगर आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बाई डिफॉल्ट स्टाइल दिए गए हैं, उनमें से आप ले सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आप ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे इस तरीके से आपको लिखना है तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लिया जो उसमें स्टाइल दिया गया है। इसके अदर देन आप स्वयं से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से पेज में लिख के आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से जूम के ले रहा हूँ उनको इस तरीके से, तो ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाते हैं, बस आपको इंसर्ट कराना है। अगर आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को हटाना है तो सिंपल सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिएगा, हट जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हट गया। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप ड्रॉ कर लेंगे। इसकी मदद से आप एडमिट कार्ड या अन्य डिजाइंस को बना सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लिया और कहीं भी किसी भी जगह पेज में आप लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स को उठा के हम किसी भी कॉर्नर तक पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसमें हम कलर भी भर सकते हैं, कलर भर के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा साइड में लिखा रह सकता है या कोई अन्य स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे स्टाइल्स दिए गए हैं, ठीक है। आप इस तरीके का बॉक्स बना के भी उसमें लिख सकते हैं। टेक्स्ट के डायरेक्शन भी चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट डायरेक्शन, पहला ग्रुप जो कि फॉर्मेट टैब में आ रहा है, आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट आपका नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम UATLICL, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पर लिख के आ रहा है। इस टेक्स्ट को हम बीच में भी कर सकते हैं कंट्रोल ई करके, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा बीचों बीच लिख के आ रहा है। कंट्रोल ई करके हम इसे करते हैं बड़ा साइज फॉन्ट का, थोड़ा दिखाई दे, ठीक है। ये देखिएगा आपका फॉन्ट लिख के आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, साइड में अगर आपको लिख के डालना है, ठीक है। तो चाहे तो आप पूरे पेज पर भी इसे सेट कर सकते हैं, इसमें कलर वगैरह और भी यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का लिखना है आप तो टेक्स्ट बॉक्स को इस लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके टेक्स्ट बॉक्स थे, और भी टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स,
और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स कुछ मान लो ऐसा हमने स्टार्ट करा दिया, इसमें भी हम देख सकते हैं अपने अलग स्टाइल से, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में कलर के भी कई सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप अलग अलग कलर स्टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगता है, ठीक है। तो आप इनका यूज़ करेंगे करके देखते रहें, और ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आ रहे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स बहुत सिंपल होता है लेकिन इसकी मदद से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी एमएस वर्ड पर हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं क्विक पार्ट्स। अभी आप देख रहे थे जब हमने पेज कवर पेज भी इंसर्ट करना बताया था आपको तब, और उसके बाद हेडर फुटर में भी आपको जब हम दिखा रहे थे, यहाँ पर हेडर इंसर्ट करा रहे थे, यहाँ पर इस तरीके के जो बॉक्स आ रहे हैं, ये बॉक्स जो होते हैं उन्हें हम फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से आप क्विक पार्ट्स में जाके इनको फील्ड को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने फील्ड ले लिया यहाँ पर, अब यहाँ पर दे रहा है किस तरीके की फील्ड चाहिए आपको, एड्रेस ब्लॉक चाहिए, एडवांस चाहिए, आस्क ऑथर, किस तरीके का चाहिए। जैसे हमने ले लिया ऑथर, सॉरी एडवांस ले लेते हैं, ठीक है, या ऑथर ले लेते हैं। ऑथर में हमने दे दिया अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है, या फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिएगा ऑथर का नेम आ गया यहाँ पर ऑलरेडी, ये तो हमारा फील्ड था जो कि हमारे जो भी इसमें कंप्यूटर का नाम सेट होगा उससे आ रहा है क्विक। अब डॉक्यूमेंट फील्ड, इसके अलावा और भी फील्ड आप इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पर और भी दिए गए हैं, पिक्चर का फील्ड इंसर्ट कराना है वो कर सकते हैं, पेज डिफरेंस इंसर्ट करा सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पर फील्ड दी गई है। या फिर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कौन सी फील्ड चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन फील्ड चाहिए तो हमने ऑटोमेशन ले लिया, ठीक है, या आपको फील्ड चाहिए इक्वेशन फार्मूला से संबंधित तो आप इक्वेशन या फार्मूला से संबंधित फील्ड को ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशन इक्वेटर के लिए फील्ड दे सकते हैं, यूजर इन्फॉर्मेशन के लिए आप फील्ड ले सकते हैं, या अन्य चीज़ों के लिए जो कि यहाँ पर दिए गए, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन हो गया उसके लिए फील्ड्स डाल सकते हैं, ऑथर, कमेंट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फाइल नेम, ठीक है, कीवर्ड, इन सब के लिए आप अलग अलग फील्ड का यूज़ कर सकते हैं, आप फील्ड को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्विक पार्ट्स में और भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कैटेगरी वगैरह के लिए आपने फील्ड इंसर्ट करा दी, इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर फील्ड है उसी तरीके की यहाँ पर फील्ड इंसर्ट हो गई है। इसी तरीके से आप और भी फील्ड इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप क्विक पार्ट में आते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, और यहाँ से आप ले लेंगे, जैसे लाइक हमने दी थी टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल के लिए फील्ड आ गई, जैसे यहाँ पर टाइप टेक्स्ट के लिए आ रही थी वैसे यहाँ पर टाइटल के लिए आ रही है, इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट पर टाइटल डाल सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको फील्ड्स इंसर्ट करानी है तो आप क्या करेंगे, इन क्विक पार्ट्स ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से इस तरीके की फील्ड्स को आप इंसर्ट करा पाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं फील्ड्स को हटा दे रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं हम लोग इंसर्ट वर्ड आर्ट। टेक्स्ट ग्रुप के ये सारे ऑप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ड आर्ट ये बहुत ही फैंटास्टिक ऑप्शन है, इसकी मदद से हम कुछ आर्टिस्टिक टेक्स्ट को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके के टेक्स्ट को हम इसमें लिख पाते हैं इसकी मदद से। तो हमें क्या करना है, वर्ड आर्ट पर जाना है और यहाँ से कोई भी जो भी आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हमने टेक्स्ट डाला अपना LICL, ठीक है, या फिर कुछ और, वेलकम यू एट LICL, ठीक है, उसके बाद हमने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिख के आ रहा है, आप इस टेक्स्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन जो अभी आप देख रहे हैं इधर को है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D इफेक्ट्स चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और भी कई सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप सेम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 3D इफेक्ट घुमाने के लिए भी दिए गए हैं, इनको आप रोटेट भी करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर रोटेट कराने के लिए भी इफेक्ट दिए गए हैं। इनके अदर देन और भी इफेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे अभी हम 3D इफेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अलावा आपके इस तरीके के इफेक्ट भी दिए गए हैं जिनमें हम अपने टेक्स्ट के शैडो वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम शेप भी चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, जैसे हम राउंडेड चाहते हैं या इस तरीके का लिखना चाहते हैं, ये अलग अलग शेप दिए गए हैं तो आप इनमें से किसी भी अलग अलग शेप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, आपका टेक्स्ट इस तरीके से सेट हो गया है, इसे रोटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जिससे मान लो हमने इसे सीधा कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इसमें से अगर दूसरा स्टाइल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप दूसरे स्टाइल पे भी जा सकते हैं, इसमें ये वाला स्टाइल ले लिया। तो ये आपका फॉर्मेट, जैसे ही आप टेक्स्ट इंसर्ट कराते हैं, जैसे ही आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कराते हैं, वैसे ही आपका एक टैब आ जाता है फॉर्मेट, और यहाँ से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो भी कलर हम सेलेक्ट करते हैं वही वाला चेंज हो जाता है। अगर आपको लगता है नहीं ये कलर नहीं, आपको ग्रेडियंट डालने हैं तो आप ग्रेडियंट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्सचर का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्सचर दिए गए हैं, काफ़ी सारे पैटर्न दिए गए हैं, इनमें से किसी भी टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगता है, ठीक है। इसके अलावा देन आप अगर कोई पिक्चर अपने पास आपके पास जो सेव है उस पिक्चर को लगाना चाहते हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कराया माउस का, तो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर आपको माउस बना हुआ दिख रहा है।
तो कुछ ऐसे भी आप बना सकते हैं। आप देखते हैं हमें डॉक्यूमेंट जो अपना फाइल बना रहे होते हैं कॉलेज के लिए स्कूल के लिए, उनमें फर्स्ट पेज को कुछ आर्टिस्टिक बनाते हैं, कुछ डिज़ाइनदार बनाते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं, आप इसका शेप चेंज कर दें, लाइक हमने इसे कर दिया सर्कुलर, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है येलो, इसे पकड़ के अगर आप खींचेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा छोटा सर्कल आ रहा है, हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा जिससे थोड़ा दूर तक दिखाई दे, ठीक है। और इसके कुछ 3D इफेक्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं जिससे कि टेक्स्ट आपका थोड़ा सही आए, अच्छा आए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ रहा है, अभी हमारा राउंडेड रूट टेक्स्ट आ रहा है एमएस वर्ड में। इनके अलावा आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है जहाँ से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करा के लिख सकते हैं, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रोटेशन अलग बात होती है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में लिखना अलग बात होती है। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अगर एमएस वर्ड में लिखना है आपको, तो आपको इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कलर भी यहाँ से फिल किया जा सकता है, दूसरा कलर ले लीजिएगा आप, इसमें आउटलाइन डाल सकते हैं, शैडो इफेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, या फिर 3D इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट में, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप इनका यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने बना रखा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बीच में अगर आपको कुछ लिखना है इसके बीच में, तो आप उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, और उस टेक्स्ट बॉक्स में उस चीज़ को आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर आप कोई सी अगर टेक्स्ट नहीं लिखना है, आपको कोई इमेज बीच में लगानी है, तो आप इंसर्ट में जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से शेप्स में से रेक्टेंगल या सर्कल जो शेप लेनी है जिस टाइप की, उस टाइप का आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लो हमें शेप लेनी है सर्कुलर, तो हमने सर्कल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंट्रोल दबा के आप सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ दबा के मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा पहले से ड्रॉ हो गया था। अब इसके अंदर कोई भी इमेज आप फिल कर दीजिएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने यहाँ पर इमेज लगा रखी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर माउस का इमेज फिल कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें माउस का इमेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपके कॉलेज का लोगो हो सकता है इमेज की जगह पर, वो आपको बढ़िया से सेट होकर आ जाएगा। तो आप इनको ध्यान रखें कैसे आपको करना है। तो ये तो हो गया आपका इंसर्ट में वर्ड आर्ट कैसे यूज़ करते हैं। इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट कहाँ पर होता है, आपके टेक्स्ट ग्रुप में होता है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं ड्रॉप कैप का। आपने कई बार मैगजीन वगैरह में लिखा हुआ दिखा होगा जिनका पहला लेटर कैसा होता है, काफ़ी बड़ा लिख के आता है, तो वैसा कुछ स्टाइल में अगर आपको लिखना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को आपको काफ़ी बड़ा लिखना है उसके आगे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप कैप में जाते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कितनी लाइन में आना चाहिए, ठीक है। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे लिए अच्छा लग रहा है, तो ये देख सकते हैं आप पहला लेटर काफ़ी बड़ा है जो 3 लाइनों में आ रहा है। तो इस स्टाइल में अगर आपको लिखना हो तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम डेट एंड टाइम। अगर हमें अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम इंसर्ट कराना है किसी जगह पर, तो एक तो शॉर्टकट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एल्ट शिफ्ट डी, एल्ट शिफ्ट और डी दबा के भी आप डेट को इंसर्ट करा सकते हैं, तथा एल्ट शिफ्ट टी से आप टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। अब अगर इस ऑप्शन की मदद से इंसर्ट कराना हो तो आप कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है टेक्स्ट ग्रुप में जो कि आपके इंसर्ट टैब में होता है, और इसमें जाके आपको डेट टाइम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखता है डेट एंड टाइम का, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट और टाइम का फॉर्मेट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट को आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड, या आप हिंदी में भी कैलेंडर को ले सकते हैं, हिंदी इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यही तारीखें आपकी हिंदी में आने लगेंगी, शुक्रवार 11 फरवरी 2022, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप कैलेंडर का टाइप चेंज करना चाहते हैं तो कैलेंडर का टाइप यहाँ पर ऑप्शन आता है, उसमें आपको क्या करना है, वेस्टर्न टाइप दिया गया और दूसरा दिया गया साकाईरा। आप लोग देखते हैं हिंदी के जो महीने होते हैं हमारे यहाँ, चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, तो उस तरीके के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर साकाईरा सेलेक्ट कर लेना है, कैलेंडर टाइप में जाके साकाईरा सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर डेट आ रही है उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली अपडेट का अगर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, डेट अपने आप से अपडेट हो जाएगी, जिस दिन आप खोलेंगे उसी दिन का डेट हो जाएगा, लेकिन हमें अपडेट नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस डेट का बना हुआ है वो डेट हमारा बना रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेट को इंसर्ट करा लिया, मान लो ये डेट होगी हमारी, ठीक है, साकाईरा, ये साका के हिसाब से ही आपका मंथ वगैरह आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये इंसर्ट होकर आ गया डेट, और टाइम भी इंसर्ट करा सकते हैं, डेट एंड टाइम दोनों फॉर्मेट एक साथ भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया तो यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों हैं, और इसमें जो हमने डेट और टाइम इंसर्ट कराया है वो बिल्कुल वैलिड है, 11/2/2022, आज 11 तारीख है, टाइम हो रहा है 13:01:22, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट को इंसर्ट करा सकते हैं हिंदी या इंग्लिश किसी में भी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको चेंज करना है डेट का फॉर्मेट तो आप डेट के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है।
तो मैंने ये आपको डेट और टाइम का भी क्लियर करा दिया। अगर आप एमएस वर्ड में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे आपका जो आपका ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट ग्रुप में, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पर जाना है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एक ऑप्शन होता है आपका, क्रिएट फॉर्म फाइल, एक होता है क्रिएट न्यू, तो हम न्यू बना लेते हैं। न्यू क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें विट मैप इमेज बनाना है, यानी कि एमएस पेंट का यूज करना है, तो हम क्या करते हैं बिट मैप इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर एमएस पेंट का एक फाइल खुल के आ जाएगा, एमएस पेंट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग, क्योंकि एमएस पेंट का यूज होता है ड्राइंग के लिए, तो आप यहाँ पर कोई भी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं और उसके बाद उसका यूज आप देखेंगे आपके एमएस वर्ड पर हो जाएगा। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर जो जो चेंजमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट पर कर रहे हैं एमएस पेंट वाले पर, वही चेंजमेंट्स हमारे नीचे एमएस वर्ड पर भी दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ से हम कलर दूसरा लेके यहाँ पर नीचे भर देते हैं ग्राउंड पर, तो ये भी आ रहा है, और यहाँ से इसको अगर हम छोटा कर देंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लेज, तो इससे क्या है, ये ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा दिया हमने फाइल का, कि उसे हम एमएस वर्ड में ही हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर ही इसको एडिट भी किया जा सकता है। तो जिससे क्या होता है, हमें बार बार उस सॉफ्टवेयर पर नहीं जाना पड़ता है जिस सॉफ्टवेयर पर वो फाइल बनी होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, अगर इसको एडिट करना है, वापस से एडिट मोड पे लेके आना है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसके बाद जाना है बिट मैप इमेज ऑब्जेक्ट और एडिट। जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे फिर से ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पर इसे एडिट कर सकते हैं। आप कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, या कुछ और आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एडिट कलर का ऑप्शन आ रहा है, ओके कर दिया, यहाँ पर हमने कलर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। वैसे आप देखेंगे एमएस वर्ड पर आपका कलर चेंज हो चुका है आपके ऑब्जेक्ट का। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट एक्सेल का भी डाल सकते हैं, जिसमें मैंने इसको हटा दिया। इसके बाद जाता हूँ मैं ऑब्जेक्ट पर, क्लिक किया, यहाँ पर एक्सेल का भी मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट 2007, ठीक है, आप इसे ले सकते हैं या दूसरा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट खाली दिया है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप एक्सेल की फाइल हमारा सीधा का सीधा इंसर्ट हो जाएगी, जिस पर हम एमएस वर्ड में भी काम कर पाएंगे, ठीक है। एक्सेल की फाइल इंसर्ट हो गई, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी फाइल बना सकते हैं। फिर से कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इंसर्ट, और उसके बाद आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ पर हम क्रिएट फ्रॉम फाइल कर लेते हैं। तो ब्राउज कर लेते हैं अपनी फाइल को जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक हमारा था बुक वन, इसको ले लेते हैं, इंसर्ट कराते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, वही फाइल यहाँ पर आ जाएगी, उसे आप एडिट भी कर सकते हैं और उस फाइल को ओपन करके खाली यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, देखिएगा यहाँ पर फाइल आप देख सकते हैं जो हमारी चार्ट बना हुआ है, ये फाइल सीधा का सीधा यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अगर आपको डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल का फाइल ओपन हो जाएगा, वहाँ पर जाके आप एडिट कर सकते हैं। देखिएगा ये एक्सेल में ओपन हो गया, अब इसे आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। शीट वन पर इसका डाटा लिखा हुआ है और शीट टू पर इसका चार्ट बना हुआ है। तो इस तरीके से आप एमएस एक्सेल की फाइल को सीधा एमएस वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे बाहर तो ये फाइल केवल एक इमेज के तरीके से हो जाएगी, अब इसको आप सिर्फ देख सकते हैं। डबल क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आप इस ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, वर्कशीट ऑब्जेक्ट और एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट कराते हैं, कैसे उसे एडिट करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका ग्रुप है लास्ट इक्वेशन और सॉरी सिंबल्स। सिंबल्स ग्रुप में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो इक्वेशन, दूसरा सिंबल। इक्वेशन की मदद से हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं या यहाँ पर जो दी गई हैं उनको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिएगा मैंने इंसर्ट करा दिया है। और भी कोई इक्वेशन आपको बनाना है, खुद से बनाना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इक्वेशन में जाना है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फील्ड मिल जाएंगी, इसके बाद आप बना सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है कोई इक्वेशन इस टाइप की जिसमें एक्स बटे वाई का यूज होना है, या कुछ 1/3 लिखना है मैं तो 1/3 लिख गया। वैसे एमएस वर्ड में आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल लगा दिया और इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ, और यहाँ पर दे दिया हमने 2/3,
ठीक है, कुछ भी इस तरीके का इक्वेशन या कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको देना है, कोई भी सिंबल बनाना है, यहाँ पर सभी तरीके के सिंबल आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं डिग्री फारेनहाइट वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं एक और नया इंसर्ट करा के दिखा रहा हूँ, इंसर्ट इक्वेशन और न्यू इक्वेशन, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको फील्ड मिल जाएगा इक्वेशन के लिए, इंसर्ट और इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पर फील्ड मिल गया। इसमें आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे हमें लिखना है डेल्टा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा का यहाँ पर सिंबल मिल जाता है, ये देखिए आप डेल्टा का सिंबल है डेल्टा, और उसके बाद हमें लिखना है एनर्जी वाला ई, ठीक है। तो ई तो हम कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कीबोर्ड से इक्वल बन जाता है, और यहाँ पर भी इक्वल आपको अवेलेबल मिलता है, यहाँ से भी लगा सकते हैं इक्वल एम और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं एम को इंसर्ट करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंबल्स होते हैं, एम हो गया। अब हमें सी का स्क्वायर लिखना है, तो हम स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसे ले लिया और यहाँ पर लिख दिया हमने सी, और यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आपको लिखनी है यहाँ पर इजीली आप लिख पाएंगे एमएस वर्ड में इक्वेशन ऑप्शन की मदद से। तो आप लोग इनको यूज़ करके देखिएगा, कोई भी मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट बनाना हो आप आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें सिंबल, सिंबल की मदद से जो आपके कीबोर्ड पर सिंबल अवेलेबल नहीं है उनको भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यूरो का सिंबल हमारे हमारे कीबोर्ड पर नहीं होता है, ऐसे ही यहाँ पर पाउंड का सिंबल दिया गया, ये भी हमारे कीबोर्ड पर नहीं होता है, और ना ही येन का सिंबल हमारे कीबोर्ड पर होता है, कॉपीराइट का सिंबल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं जो हमारे कीबोर्ड पर नहीं होते हैं, उनको भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सिंबल ऐसा दिख रहा है आपको जो वहाँ पर नहीं होता है तो आपको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम रजिस्टर ट्रेडमार्क की बात करें तो इसका ASCII डेसिमल कोड हम देख सकते हैं, यूनिकोड हैक्स भी देख सकते हैं, हमें चाहिए ASCII डेसिमल कोड। तो हमने यहाँ पर देख लिया इसका ASCII डेसिमल कोड है 174 और इसका शॉर्टकट क्या है एल्ट प्लस 0174, ठीक है। तो चलिए हम दबाते हैं एल्ट 0174, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया है, ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर कोड ऑलरेडी लिखे हुए मिल जाते हैं, और जिनके कोड लिखे हुए हैं वो 101% उन कोड से इंसर्ट हो जाएंगे। वो कोड हमें याद कर लेने होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कीबोर्ड से नहीं इंसर्ट होती है तो इंसर्ट में जाके उन्हें बार बार अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो उससे बेहतर है कि आप कोड उनका याद कर लें। प्रत्येक सिंबल का एक कोड होता है आपका जो कीबोर्ड पर अवेलेबल है उसका भी और जो नहीं है उसका भी। जैसे एल्ट के साथ अगर हम 65 दबाते हैं तो हमारा कैपिटल ए आ जाता है, वहीं एल्ट के साथ अगर हम 90 दबाते हैं तो हमारा कैपिटल जेड आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एल्ट के साथ 97 दबाने पर स्मॉल ए आ जाता है, एल्ट के साथ 122 दबाने पर आपका जेड आ जाता है। आप देख सकते हैं ये सब कोडिंग में होते हैं, इनके लिए कोड निश्चित होते हैं और उन्हीं के आधार पर ये बन जाते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोड पहले से डिसाइडेड है। आप आसानी से सिंबल्स में जाकर उन कोडेड को रीड कर सकते हैं, यहाँ पर कोड दिए गए होंगे, अगर है उसका कोड तो ही आप उन कोड से इंसर्ट करा पाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर जो भी कोड है प्रत्येक चीज़ के लिए, यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसी कोड से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोड दिया गया है 3/4 अगर आपको लिखना है तो एल के साथ 0190 आपको करना है, तो मैंने एल के साथ 0190 किया तो आप देख सकते हैं 3/4 लिख के आ गया। तो इस तरीके से किसी भी जगह डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ों को लिखना हो तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टैब, जो है हमारा पेज लेआउट टैब। इस टैब के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि अगर आप जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसकी इन सारी सेटिंग्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप पेज के बैकग्राउंड को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड को सेट करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है, इसका बैकग्राउंड कुछ हमें चेंज करना है, तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं पेज लेआउट में, और यहाँ पर हम करते हैं पेज बैकग्राउंड ग्रुप से शुरुआत, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। पेज बैकग्राउंड, यहाँ पर सबसे पहले हम डालते हैं इसमें वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में पीछे लिखा जाने वाला टेक्स्ट जो आपके डॉक्यूमेंट पर हल्का हल्का पीछे दिखता है। जैसे आपने किताबों में दिखा होगा कई बार लिखा होता है डू नॉट कॉपी समथिंग इस टाइप का, ठीक है, और नॉट फॉर सेल इस टाइप के लिख के आते हैं। तो आपको क्या करना है, वाटरमार्क में जाना है और कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपको वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर दिख जाएगा, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क पर मैंने क्लिक कर रखा है, हमें यहाँ पर
वाटरमार्क का प्रिंटेड वाटरमार्क का एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में हमें देख सकते हैं नो वाटरमार्क अभी सिलेक्ट है। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट वाटरमार्क। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाटरमार्क के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश में नहीं रहने देंगे। आप चाहें तो इंग्लिश इंडिया कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कर, हिंदी इंडिया कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज रखना है। चलिए फिलहाल मैंने इंग्लिश कर रखा है। उसके बाद अगला दिया गया टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं बैकग्राउंड पर आए। मैंने यहाँ पर लिख दिया LICL, ठीक है, LICL लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट को चूज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉन्ट को भी चेंज कर दिया, पहले से कैलिबरी था, तो मैं कुछ और फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, जो भी अवेलेबल है उन्हीं से। काफ़ी कम फॉन्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद साइज मैं ऑटो बना रहने दूंगा, अपने आप वो सेट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कलर, कलर आप कौन सा चाहते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलर के जस्ट बगल में एक ऑप्शन दे दिया है सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप उसे फुल एकदम डार्क देखना चाहते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं, तो सेमी ट्रांसपेरेंट रहने दीजिएगा, जिससे कि आपका जो फ्रंट का टेक्स्ट है वो क्लियर दिखता रहे। उसके बाद लेआउट पूछ रहा है, यानी कि डायगोनल में आए या हॉरिजॉन्टल आए, इनको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं डायगोनल अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं डायगोनली ये लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम भी कम कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये LICL लिख के आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही स्पेस पे लिख के आ रहा है। ये क्या है, डायगोनली है, डायगोनली अब इस तरीके से आपका लग के आ जाता है। उसके अलावा आप वाटरमार्क को फिर से कस्टम कर देते हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल कर दे रहा हूँ, अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली आ गया। अब वहीं अगर हमें इसका सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा दें तो क्या होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, दिखेगा आप कुछ ज़्यादा डार्क दिख रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका जो टेक्स्ट लिखा है वो ज़्यादा क्लियर ना दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगा सकते हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के अलावा अगर आप चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं वाटरमार्क पर। इसके लिए आपको सिंपल आना है वाटरमार्क ऑप्शन पर और यहाँ से आपको कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर प्रिंटेड वाटरमार्क का आपको डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना है पिक्चर वाटरमार्क, ठीक है। पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सिलेक्ट पिक्चर पर, यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर पिक्चर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाली पिक्चर है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, सब्सक्राइब नाउ, इंसर्ट करा दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखें, जैसे सिलेक्ट पिक्चर आते हैं उसके नीचे एक लिखा होता है स्केल, स्केल में क्या है, अगर ऑटो बना रहने देंगे तो अपने आप से वो फिट होगा। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं साइज़, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज में साइज़ डाल देंगे, या फिर आपको और इसके बगल में एक ऑप्शन आपको दिखेगा वाश आउट, यानी कि इमेज आपको धुली हुई चाहिए, मतलब धुंधली धुंधली दिखनी चाहिए, या आप वाश आउट का मतलब आप ये समझ सकते हैं फैड आउट, फैड मतलब धुंधली धुंधली इमेज आई, ठीक है। तो फिलहाल मैं वाश आउट पर लगा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हल्का हल्का दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर से हम वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क, ये इमेज की प्रॉब्लम है, वाश आउट को हटा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिएगा इमेज आपको कुछ ज़्यादा क्लियर दिख रही है। तो इस तरीके से कोई भी इमेज, कोई भी लोगो आप अपने फाइल में लगा सकते हैं, ठीक है, वाटरमार्क के तौर पर, जो कि आपके टेक्स्ट के नीचे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क का यूज़ कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन, अच्छा अगर वाटरमार्क को हटाना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, वाटरमार्क में आते हैं और यहाँ पर दिया गया रिमूव वाटरमार्क। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वाटरमार्क आपका हट जाएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर वाटरमार्क हट गया है। फिर से लगाना है कस्टम वाटरमार्क पे आते हैं, उसके बाद नो सॉरी पिक्चर वाटरमार्क, उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर, और इस बार मैं कोई दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, पिक्स में आता हूँ, सॉरी वापस जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक वेब पेज में डली हुई है इमेज, उसको सिलेक्ट करके लाता हूँ मैं, ये इंसर्ट और ओके, ये आज ही मैंने बनाई थी। अच्छा ये अभी वाश आउट आ रही है तो बहुत हल्की हल्की दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको वाश आउट को कर देते हैं ख़त्म और अप्लाई कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का इमेज आपके बैकग्राउंड पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पेज कलर, पेज कलर में आते हैं। इसके बाद आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है, कोई भी सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सॉलिड कलर फिल कर दिया, ठीक है। इस तरीके का आप कोई भी सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड पर, ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर सॉलिड कलर हैं, तो इनमें से कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं अपने इमेज के बैकग्राउंड पर, एक सिंगल कलर। चलिए मैं कस्टम वाटरमार्क को पहले हटा दे रहा हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई सिंगल कलर लगा सकते हैं, सॉलिड कलर अगर लगाना है। अगर इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप मोर कलर में जाके कुछ अन्य कलर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी पेज कलर में आते हैं, मोर कलर्स, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जो भी कलर, और यहाँ से आप सेट भी उसकी बना सकते हैं, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अलाउड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर के अलावा अगर आपको कलर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, कलर से काम नहीं चल रहा है, तो आप फिल इफेक्ट में जाके कुछ और भी तरीके से अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है वन कलर,
तो वन कलर सेलेक्ट करेंगे तो वन कलर के आपको सेट दिख जाएंगे। जैसे इसमें व्हाइट है तो व्हाइट की बजाय हम कर लेते हैं कोई दूसरा कलर, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया ब्लू। यहाँ पर ब्लू के डबल सेट में आएगा, एक तो डार्क रहेगा और कुछ लाइट रहेगा। तो हम यहाँ पर परसेंटेज को कम ज़्यादा कर देते हैं, देखिएगा। तो हमने पहले हम थोड़ा सा कम पे रखते हैं इस तरीके का। अब यहाँ पर कुछ स्टाइल दिया गया है, जैसे हॉरिजॉन्टल में इसने सेलेक्ट कर रखा है तो ये कुछ स्टाइल दिए गए हैं, इनमें से कुछ हॉरिजॉन्टल में ले सकते हैं। जैसे ये अप्लाई किया आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है इसमें, फिर से फिल इफेक्ट में जाते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल करना है तो आप वर्टिकल ले सकते हैं, जैसे ये वाला ले लिया, ठीक है। मैं कुछ जूम कर दे रहा हूँ पेज को, जिससे आपको क्लियर दिखता रहे कि किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम जाते हैं फिल इफेक्ट्स में, और यहाँ से अब की बार हम डायगोनल डाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिएगा इसमें आपको दिख रहा होगा डायगोनली नीचे की तरफ आप कलर फिल किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। फिल इफेक्ट में आते हैं, डबल कलर कर लेते हैं, टू कलर, और यहाँ पर एक कलर दूसरा कर देते हैं और दूसरा कलर दूसरा लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं इनके स्टाइल को। आप देख सकते हैं ये क्या है, डायगोनल डाउन नीचे की तरफ, डायगोनली आप इधर से ऊपर की तरफ। इनमें से कोई भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ आपका बैकग्राउंड आएगा। आपको पेज बैकग्राउंड में जाना है, पेज कलर में फिल इफेक्ट्स, और इसके बाद आप यहाँ पर वर्टिकल भी कर सकते हैं एकदम इस तरीके का, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर दी गई है, आप इनका यूज़ करके देखिएगा। उसके बाद प्रीसेट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर पहले से सेट है, आप कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया गया है, इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप फिल इफेक्ट में जाके और भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रेडियंट हमने पहले सेलेक्ट कर रखा था, इस डायलॉग बॉक्स में ग्रेडियंट डाल रहे थे। अब हम टेक्सचर देखते हैं, टेक्सचर यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, इनका यूज़ करना होता है। तो जैसे मैंने ये वाला इमेज को यूज़ कर लिया लाइक दिस और ओके कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का टेक्सचर हमारे डॉक्यूमेंट पर फिल होके आ गया है। उसके बाद फिर से हम जाते हैं पेज कलर पर, फिल इफेक्ट्स, और इसके बाद पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर आप पैटर्न दिए गए हैं काफ़ी सारे, इनमें से कोई भी पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर फोरग्राउंड कलर, यानी कि जो लाइनें आपको दिख रही हैं इसमें वो किस कलर की आएँ, तो हमने लाइक ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन्स आ रही हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड के लिए कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे लाइक येलो कर लिया। अब यहाँ पर हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया पैटर्न और ओके कर दिया, देखिएगा इस तरीके का पैटर्न आपके बैकग्राउंड पर फिल होकर आ गया। तो आप जो भी पैटर्न लगाना चाहते हैं उस पैटर्न को ले सकते हैं। इन सब के लिए आपको करना क्या है, पहुँचना है सीधा फिल इफेक्ट्स में और वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पैटर्न, ठीक है। अगर आपको पैटर्न नहीं लगाना है, कोई पिक्चर लगानी है आपके आपके डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर, तो आपको क्या करना है, पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं। मान लो हमें ये लगानी है, तो हमने इंसर्ट कराया और ओके कर दिया, देखिए आप हमारा पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पर इस तरीके का इमेज आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने आप अपने स्क्रीन के बैकग्राउंड पर, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर किसी भी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड लग गया हमारे डॉक्यूमेंट का। अगर बैकग्राउंड को हटाना है तो सिंपल पेज कलर पे आना है, आपको दो कलर पे क्लिक कर देना है, बस बैकग्राउंड हट गया, देखिएगा आप सभी का बैकग्राउंड हट चुका है। अब इसके बाद आता है एक ऑप्शन, इसमें पेज का बॉर्डर, बॉर्डर कैसे लगाएं। अगर आप पेज के अराउंड बॉर्डर चाहते हैं, आप सिंपल पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी नन है, हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, इसके देखिए इस तरीके के बॉक्स बन के आएगा। अब इसमें क्या करना है, हम बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर देते हैं, यहाँ से बॉर्डर का साइज चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर ऑप्शन दिया गया है, कलर पर क्लिक करेंगे बॉर्डर का कलर आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स है, इसमें मैंने ऑप्शंस बताए हैं, आप थोड़ा स्लो करके भी इनको देख सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए किस पर क्लिक किया जा रहा है। ओके कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का आपका बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ आपको 3D स्टाइल या आर्टिस्टिक स्टाइल के बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर और भी स्टाइल के बॉर्डर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ये बॉर्डर दिया गया है, इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर भी कुछ चेंज कर देते हैं। मान लो हमने ब्लू ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं इस तरीके का 3D बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आर्ट वाले बॉर्डर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आर्ट दिए गए हैं, आप कोई भी आर्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर पर लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला आर्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके कर दिया। आप देख सकते हैं ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर और भी सेटिंग्स होती है, जैसे हम चाहते हैं कि पहले पेज पर बॉर्डर ना आए या कुछ अलग स्टाइल का आए, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अप्लाई टू ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अप्लाई टू में जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है द सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, केवल फर्स्ट पेज पर आए, दिस सेक्शन आल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज को छोड़कर सब पर आए। तो हमने यही सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पेज को छोड़कर सब पर आए, ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पहला पेज है उस पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी के सभी पेजेस पर हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। मान लो आप फर्स्ट पेज को अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज बनाना चाहते हैं। अच्छा, कवर पेज इंसर्ट कराने के लिए आप इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन आता है कवर पेज, यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई स्टाइल दिए गए हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक अभी के लिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा कवर पेज आ गया।
आप देख सकते हैं कवर पेज पर, चूंकि बॉर्डर की हमें जरूरत नहीं होती है तो हमने बॉर्डर नहीं लगाया। बाकी इसमें डाटा को आपको चेंज करना है, अपने आप बाकी चीज़ें भर जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर लगाना हो गया हमारा, पेज के पेज पर बैकग्राउंड कलर करना हो गया, और इमेज लगाना हो गया, पैटर्न ग्रेडियंट लगाना हो गया, वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। ये हमारा पेज बैकग्राउंड ग्रुप था जो कि हमारे पेज लेआउट टैब में होता है। अब बात करते हैं पेज के मार्जिन को कम या ज़्यादा करने की। तो अभी आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट में यहाँ पर टेक्स्ट इधर राइट लेफ्ट साइड में इतनी जगह छूटी हुई है, ऐसे ही राइट साइड में भी जगह छूटी हुई है, तो इस जगह को कम या ज़्यादा करना, ये जगह क्या कहलाती है, मार्जिन कराती है। और डॉक्यूमेंट में चारों तरफ मार्जिन होता है, तो यहाँ पर मार्जिन ऑप्शन में आना है, सिंपल आपको जो भी मार्जिन लेना है उसको क्लिक करना है, नैरो कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जगह कम बची हुई है, वहीं अगर हम नॉर्मल कर देते हैं तो कुछ जगह एक्स्ट्रा बच जाती है, तो आप नैरो कर लीजिएगा, देखिएगा तो कुछ और अच्छा हो गया हमारा, इससे सट के आने लगा है, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, यहाँ पर मॉडरेट होता है, मॉडरेट में टॉप साइड में कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, या आपको इनमें से कोई नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कस्टम मार्जिन का भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पर आते हैं तो एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा मार्जिन का, और उसमें आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स, इसमें मार्जिन ऑप्शन सेलेक्ट होकर आ रहा है, इसमें आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे टॉप का मार्जिन इस समय 2.5 सेंटीमीटर है, हम उसे 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेजेस के बारे में पूछ रहा है, मल्टीपल पेजेस, मिरर पेजेस, तो हमें फिलहाल इनको कुछ नहीं करना है और ओके कर देना है। और यहाँ पर ये भी पूछ रहा है पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना है या केवल इस पॉइंट के बाद जहाँ पर आप हैं उसके बाद वाले पेजेस पर अप्लाई करना है। तो फिलहाल मैं होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखेंगे पहले पेज पर काफ़ी जगह, पहले पेज या लास्ट पेज, सेकेंड पेज जो भी हैं उन पर ऊपर की साइड ज़्यादा जगह छोड़ रहा होगा। देखिएगा आप यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ से लिख के आ रहा है, ठीक है, पहले हमारा ऊपर से लिख के आ रहा था। चलिए फिर से मैं नॉर्मल कर देता हूँ, आप देखिएगा ये बिल्कुल पेज नंबर के पास में लिख के आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे कस्टम किया था मैंने इसको, और इसको कर दिया था 3 सेंटीमीटर, चलिए 3 की बजाय मैं 6 कर दे रहा हूँ, अब थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 6 कर दिया, आप देख सकते हैं पेज 2 of 7 यहाँ पर लिख के आ रहा है, और जो कंटेंट है हमारा कंप्यूटर वाला वो काफ़ी दूर लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की। आप जानते हैं आपके डॉक्यूमेंट दो तरीके से रखा जा सकता है, एक तो आप पेज को 90 डिग्री घुमा दें, अगर 90 डिग्री घुमा देते हैं सेम पेज को तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, वही काम करता है ओरिएंटेशन। लैंडस्केप में क्या होता है, आपका वही पेज घूम जाता है 90 डिग्री, और आप जो पेज की हाइट होती है वो उसकी विड्थ बन जाती है, और जो विड्थ होती है वो हाइट नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, अगर आप क्षैतिजिक रूप से उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप पोर्ट्रेट का यूज कर सकते हैं। ये आपका पेज पोर्ट्रेट है, और जब आप इसको घुमा देते हैं तो ये लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं पोर्ट्रेट रखता हूं, और मैं कुछ इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे मैंने इंसर्ट से यहाँ से सिर्फ में जाके एक रेक्टेंगल कर ले लिया, तो अगर पेज इस सिचुएशन में है तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोर्ट्रेट, यानी कि इसमें क्या है, चौड़ाई कम है, लंबाई पेज की जो हाइट है वो ज़्यादा है। अब अगर इसी पेज को हम रोटेट कर दें 90 डिग्री, तो आप देख सकते हैं इस पेज की जो हाइट है, विड्थ है, वो ज़्यादा हो गई है और हाइट कम है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, रोटेट किया है। फिर से इसे वापस से रोटेट कर दूं मैं, तो आप देख सकते हैं ये फिर से वैसा ही हो गया, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा और लंबा पेज कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर पेज है मान लो ये हमारा, अब इसे अगर हम घुमा दें 90 डिग्री, तो आप देख सकते हैं आप इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है, यानी कि जो इसकी हाइट थी पेज की वो अब उसकी चौड़ाई हो गई है, विड्थ हो गई है, और जो इसकी विड्थ थी वो अब इसकी हाइट हो गई है, यानी कि पेज को घुमाना होता है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपको पेज को घुमाना है, रोटेट करके प्रिंट करना है, तो आप पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं साइज की। आप अपने अकॉर्डिंग साइज सेट कर सकते हैं जिस साइज के पेज पर आपको प्रिंट करना है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लेटर साइज सेलेक्ट है जो कि 8.5 x 11 इंच का होता है, यानी कि 22 x 28 सेंटीमीटर का। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे A4 स्टैंडर्ड साइज होता है, आप देखते हैं A4 के पेज पर हमें प्रिंट करना होता है तो हम पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट को A4 साइज के पेज पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइज में जाएंगे और A4 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि अगर डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा है, कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं जो टेक्स्ट होता है न्यूज़पेपर में लिखा हुआ, वो आपका क्या होता है, डबल कॉलम में डिवाइडेड होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं डबल कॉलम में डिवाइड कर दूँ, उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है, कॉलम्स में आना है, उसके बाद 2 कॉलम पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ऐसा ही कुछ न्यूज़पेपर में लिख के आता है, मान लो इस टेक्स्ट को हमें 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो 3 कर दिया, इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ये टेक्स्ट 3 कॉलम में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जिस टेक्स्ट को भी कॉलम में डिवाइड करना है आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉलम्स में आना है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि कितने कॉलम में उसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम्स में
उसे चेंज कर सकते हैं, कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को तीन कॉलम में डिवाइड कर रखा है, ऊपर वाले को दो में कर रखा है, बराबर बराबर के दो हिस्से हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक हिस्सा बड़ा रखा है और एक साइड का हिस्सा छोटा रखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम्स ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर ब्रेक्स ऑप्शन मिलता है। ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं, अगले पेज पर जा सकते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस कॉलम में हम लिख रहे हैं, इस वाले कॉलम में लिख रहे हैं और हमें इस वाले कॉलम में आना है। अभी तो फिलहाल हमारा कॉलम है यहाँ पर, अगर हम इस कॉलम में लिख रहे हैं और नेक्स्ट कॉलम में जाना है, अब हमारा ये कॉलम कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर कॉलम ब्रेक भी दिया गया है, यहाँ से आप कॉलम को ब्रेक करके अगले कॉलम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ब्रेक्स में, जिनकी मदद से आप पेज में ब्रेक्स डाल सकते हैं या अपनी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया लाइन नंबर। हालांकि ये ऑप्शन मेरे हिसाब से तो कभी यूज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लाइन पर कोई भी नंबर नहीं डालना चाहेगा। यहाँ पर लाइन नंबर दिया गया है, आपको सब क्या करना है, लाइन नंबर में जाना है और कंटिन्यूस कर देना है। कंटिन्यूस क्या होगा, अपने आप सभी लाइन्स जितनी भी लाइन होंगी आपके डॉक्यूमेंट में सब पर क्या आ जाएगा, लाइन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर लाइन है क्योंकि हमने इंटर दबा दिया था इसलिए। ठीक है, जितनी जगह पर पैराग्राफ ब्रेक होगा या जितनी लाइन्स होंगी उन सब पर नंबरिंग ये दे देगा। देखिएगा सब में लाइन नंबर आ रहा है, आपको हटाना है, लाइन नंबर पर जाइएगा, नन कर दीजिएगा, हट जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हाइफनेशन की। आप देखते हैं, आप जब डॉक्यूमेंट में लिखते थे कॉपी पर तो क्या होता था, जब पूरा वर्ड कोई शब्द उस लाइन में जिसमें आप लिख रहे हैं पूरा नहीं आता था, तो आप क्या करते थे, जितना पार्ट उसका लिख गया है लाइन में उतना लिखने के बाद डैश लगा के नीचे लिख देते थे। तो ये डैश क्या होता है, हाइफन होता है, और इसे लगाने की जो प्रोसेस होती है उसे हाइफनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल इसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हाइफनेशन पर जाकर ऑटोमेटिक कर देना है। तो जहाँ पर भी ज़रूरत होगा वो अपने आप से हाइफनेशन लगा देगा, अगर नहीं ज़रूरत होगा तो फिर नहीं लगाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी में भी ज़रूरत नहीं लग रही थी उसे, तो उसने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ दिखा देता हूँ, किसी ना किसी में तो लगाएगा। मैं यहाँ पर एलिफेंट लिखता हूँ, एलिफेंट, और इसी को कई बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो जल्दी से एक बार में बनता नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी जगह है इतनी इसके लिए। देखिएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन में इतनी जगह थी कि इसमें ई एल ई लिख जाता, तो इसने अपने आप से लिख लिया है और उसके आगे डैश लगा के नीचे फेंट लिख दिया। तो इस तरीके से अगर हाइफनेशन करना है, आपको हाइफंस लगाने हैं, तो आप हाइफनेशन को बस स्टार्ट कर देंगे, बाकी का काम वो खुद अपने आप कर लेगा। कई बार क्या होता है, बड़े वर्ड होते हैं जो एक बार में लाइन में नहीं आ रहे होते हैं तो वो पूरा का पूरा नीचे लिख देते हैं, तो लाइन में उतनी खाली जगह पड़ी रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है। जैसे मैं इसको हटा दे रहा हूँ लुक ऑफ को, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं आ रहा था तो उसने नीचे लिख दिया। वहीं अगर आप हाइफनेशन को हटा देंगे, हाइफनेशन को मैंने नन कर दिया, तो आप देख सकते हैं योर के बाद इधर काफ़ी जगह उसने छोड़ दी है। ठीक है, योर के बाद उसने काफ़ी जगह को खाली छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट पूरा नीचे आ गया। अगर आप हाइफनेशन चालू कर देते हैं ऑटोमेटिक, तो वो अपने आप से डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं ऊपर आ गया और बाकी की चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट का रेस्ट पार्ट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइफनेशन। तो यहाँ पर हमने दो ग्रुप देखे, पेज सेटअप, बैकग्राउंड। ठीक है, ये ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन ग्रुप का काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद हम थीम्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है, इसमें कुछ थीम भी पहले से यूज है जो आपकी स्टाइल वगैरह में लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीम को चेंज करते हैं। यहाँ पर आप जाइएगा थीम में और कोई थीम चेंज कर गया, आप देखिएगा टेक्स्ट पर असर आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसके साइज भी चेंज हो रहा है, स्टाइल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रीसेट थीम जब चेंज करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में कलर्स वगैरह पर इफेक्ट आता है, आपकी हेडिंग्स वगैरह उसी थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये काम होता है थीम का। यहाँ से थीम के कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर थीम के कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया होता है। उसके अलावा आप फॉन्ट का भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, थीम के जो यहाँ पर दिए गए हैं किसी भी स्टाइल को ले सकते हैं, इफेक्ट भी दिए गए हैं, लेकिन ये इफेक्ट जब आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगा रखे होते हैं तब आपको वर्किंग में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेज लेआउट में थीम ग्रुप। आपने कितने ग्रुप्स पढ़ लिए हैं, थीम्स, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड, ये इस पेज लेआउट ग्रुप से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और अरेंज ग्रुप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। Thank you.